ये सवाल जो है प्रश्नावली 4.3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये काफ़ी, और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि इससे जो पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए, तो अब यहाँ पर समझेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के लिए। देखिए क्या होगा, एक सूत्र होता है। अब देखो यहाँ सूत्र, इसके दो सूत्र होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो एक सूत्र होता है ए प्लस बी पे घात 2 बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी स्क्वायर, और एक सूत्र होता है ए माइनस बी की पावर 2 बराबर ए स्क्वायर माइनस 2 AB प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये दो सूत्र हैं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। देखो अगर प्लस में संख्या है तो फिर ये रहेगा, और माइनस में है तो ये रहेगा। यहाँ पे देखा जाएगा प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पे -7x है, तो अब यहाँ पे ये वाला सूत्र काम करेगा, माइनस वाला, ठीक है ना। दो सूत्र हैं जिसमें से अब यहाँ माइनस वाला लगेगा सूत्र। अब देखिए सबसे पहले पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा। ए स्क्वायर, ऐसी कोई संख्या रखनी जिसका स्क्वायर यहाँ हो रहा हो, 2x से तो स्क्वायर नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे 4x स्क्वायर होता तो ए का मान कितना आ जाता, 2x, क्योंकि 2 दूनी 4x स्क्वायर हो जाता। बात समझ में आ रही है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो 2x स्क्वायर है, तो 2 हटा दो। 2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग दे दो सब में, इस 2 का भाग दे दो, तो क्या आ जाएगा, 2x² / 2 -7x / 2 +3/2 = 0/2। सब में 2 का भाग दे दिया, 2 से 2 कट जाएगा, x² -7/2x +3/2 = 2 0 या 0, यहाँ तक आ गए। अच्छा अब देखिए, अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अब माना, अब सूत्र को देखेंगे। पहले ए स्क्वायर लिखा है तो यानी एक ही जगह एक्स आ जाएगा, ठीक है, ए बराबर एक्स। बी का मान हम अब किस तरह मानेंगे, देखो -2 AB है दूसरा, तो देखो यहाँ पे अब हम लिखेंगे, देखो 2 AB जैसे है तो 2 A का मान कितना अपना एक्स, और बी का मान हम क्या रखेंगे, देखो 7/2 यहाँ पे आना, यही आ जाना चाहिए दोबारा लौट के, तो 7/2 अगर 2 रखते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 7x रहेगा, लेकिन बटे 2 नहीं आएगा, तो यहाँ 4 रखो, तो 2 दूनी 4, तो 7/2 x आ जाएगा, यानी कि b का मान 7/4 आएगा, हमें ऐसे समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे b का मान आएगा 7/4। अब b का मान आ गया, अब आगे हल करते हैं। अब इसको पूर्ण वर्ग बना दीजिए। देखो अब इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, देखो x² लिखेंगे, अतः x² माइनस, अब देखो ए स्क्वायर हो गया, फिर क्या लिखेंगे, -2 AB, -2 A की जगह कितना है x, और b की जगह कितना है 7/4, तो 7 × 7/4, इसमें भी x लिखना है b, तो 7/4 में तो इतना ही रहना, तो b का मान यही है, ठीक है, और x तो ये वाला लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो नहीं, पूर्ण वर्ग बनाने में फिर ये नहीं आएगा, देखो ए ए स्क्वायर लिखा हमने, ठीक है, -2 AB, ठीक है, x नहीं आएगा। अब इसके बाद क्या लिखा जाएगा, इसके बाद लिखा जाएगा +B² तो +B² b कितना है 7/4 का स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ इससे ये आ रहा है, इससे ये आ रहा है, लेकिन अब आगे की संख्या नहीं आ रही, तो ये हमने अपनी ये जो जोड़ा है तो ये घटाना भी पड़ेगा। प्लस के 7/4 इसका स्क्वायर, तो -7/4 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, और फिर प्लस के ये 3/2 और = 0। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो ये प्लस माइनस के कट जाएंगे, और इससे ये संख्या दोबारा यही आ जाएगी, कोई अंतर भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक को अगर ध्यान से देख तो क्या आ जाएगा, देखो a² - 2 AB + b² a² - 2 AB + b² आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो a - b, a कितना है x, -b कितना है 7/4 का होल स्क्वायर, फिर ये -7 × 7 49 / 4 = 16 +3/2 = 0। इन दोनों को उधर पहुंचा दो तो क्या आएगा, x - 7/4 का स्क्वायर बराबर, ये प्लस के हो जाएंगे 49/16, माइनस के हो जाएंगे 3/2, इस तरह आ जाएगा। इसको थोड़ा हल करेंगे तो अब लिखेंगे x - 7/4
का स्क्वायर बराबर, इसको हल करेंगे, देखो 16 और 2 का वर्गमूल वो एलसीएम कितना आएगा 16, 16 और 2 का एलसीएम 16 आएगा, फिर 49 लिखेंगे गुणा, अब देखो 16 एकम 16 होता है तो यहाँ 1 आ जाएगा, फिर माइनस, फिर 3 लिखेंगे, और फिर नीचे क्या लिखा है इसके 2, 2 का पहाड़ा पड़ो कितने बार कट रहा है, 2 8 16 8 बार कट रहा है, तो फिर x माइनस 7 बटे 4 का वर्ग बराबर 49 एकम 49 माइनस 8 की 24 बटे 16, तो 9 में 4 गए 5, 4 में 2 गए 2, 25 बटे 16। तो अब देखिए यहाँ से इसका स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट आ जाएगा था एक्स माइनस 7 बटे 4, ठीक है, अब यहाँ से हमने वर्ग तो हटा ही दिया, बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 25 बटे 16, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस 7 बटे 4 बराबर प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4 होता है, इसको उधर पक्षांतर कर देंगे हम, तो एक्स बराबर ये माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे 7 बटे 4 और प्लस माइनस 5 बटे 4 ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब धन चिन्ह लेंगे, धन चिन्ह लेने पर धन चिन्ह लेंगे तो एक्स बराबर कितना है 7 बटे 4, प्लस लेंगे पहले प्लस 5 बटे 4, तो देखो एलसीएम तो 4 ही आएगा और ऊपर अब एल ये दोनों एक जैसे हैं लघुत्तम बराबर है तो इनको जोड़ दो सीधे 7 प्लस 5, 7 प्लस 5, 7 5 12 बटे 4, 4 3 है 12। अब ऋण चिन्ह लेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर या ले ऋण चिन्ह लेने पर तो x बराबर क्या आएगा, देखो 7 बटे 4 माइनस 5 बटे 4, अब माइनस लिए यहाँ से तो LCM तो बराबर है तो 7 माइनस 5 आएगा, 7 माइनस 5 तो कितना आएगा, 7 माइनस 5 का 2 बटे 4, 2 एक 2 2 दो नहीं 4, तो आपका जो यहाँ पे पूछा है मूलों का अस्तित्व तो क्या होगा द्विघात समीकरण में पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करना है, तो मूल जो है वो क्या आएंगे, अतः मूल जो है वो आपके कितने आए 3,1/2 हैं, ये आपका आंसर आ गया 3 और 1/2, ठीक है ना, यानी कि ये जो ये और ये आपका आंसर है, आप इसे नोट कर लीजिए।